एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लोकल मटेरियल और जिंदल मटेरियल को किस तरीके से पहचाना जाता है और कोटिंग होने के बाद उनको पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते, उसको भी हम बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज बात करते हैं लोकल मटेरियल और जिंदल मटेरियल्स के बारे में, इनके रेट्स के बारे में। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकल मटेरियल की। उनको लोकल मटेरियल को पहचानने का तरीका क्या होता है, उनकी क्या खासियत होती है और क्या डिसएडवांटेज होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और जिंदल के क्या लाभ है, उनको पहचानने का तरीका क्या होता है, ये भी आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लोकल मटेरियल्स की। देखिए मार्केट्स में सबसे ज्यादा 100 में से 90% जो सेक्शंस आपको मिलेंगे वो लोकल ही होते हैं। सपोज कीजिए आप कोई भी सेक्शन यानी कि स्लाइडिंग के लिए कोई भी 1.5 पौना का सेक्शन यूज करते हैं, यानी कि 38x19mm का सेक्शन आप यूज करते हैं स्लाइडिंग के लिए, तो ज्यादातर क्या होता है कि उसमें आपको लोकल सेक्शन अवेलेबल होते हैं। और यहीं पर अगर पार्टीशन सेक्शंस की बात करें जिसको हम ढाई रेट बोलते हैं, यानी कि 63x38mm के जो सेक्शन होते हैं वो भी ज्यादातर लोकल सेक्शंस ही होते हैं। लोकल्स कंपनी में क्या होता है कि लोकल टाइगर होता है और रामदेव आता है, बहुत सारी कंपनीज आपको लोकल में आती हैं, मिल जाती हैं। और इनके रेट के बारे में भी बात करेंगे और जिंदल के रेट के बारे में भी बात करेंगे, इनको पहचानने का तरीका। सबसे पहली बात, लोकल मटेरियल जो होते हैं कभी भी आप कोई भी लेंथ उठाकर देखिए, उसका वेट कीजिए, तो सपोज कीजिए आपने एक बंडल परचेज किया है, यानी कि 20 पीस का आप एक बंडल परचेज करेंगे, जब कोरा रॉ मटेरियल लेंगे उसको परचेज करेंगे तो एक लेंथ का वेट करेंगे। एक लेंथ का वेट करने के बाद जब आप दूसरी लेंथ का वेट करेंगे तो सेम वेट नहीं होगा, यानी कि अगर एक लेंथ का वेट 3 किलो 100 ग्राम है तो दूसरी का 3 किलो भी हो सकता है, 2 किलो 900 भी हो सकता है। तो लोकल मटेरियल की खासियत ये होती है। और उनका डिसएडवांटेज क्या होता है, देखिए उनकी डिसएडवांटेज मैं बता देता हूँ। उनके क्या होता है कि उन पर फिनिशिंग अच्छी नहीं होती, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी लोकल्स कंपनीज हैं, फिनिशिंग अच्छी आती है, मार्केट में मिलते हैं, तो उनको कोई पहचान नहीं सकता लोकल है जिंदल है। कोटिंग होने के बाद तो वैसे भी पता नहीं चल पाता कि ये लोकल है जिंदल है, तो सबसे बड़ी चीज तो यही होती है। और दूसरी चीज क्या होता है कि लोकल में जब आप कोटिंग कराते हैं तो कहीं ना कहीं पे कोई धारी आपको नजर आ जाती है, उससे साफ पता चलता है कि ये लोकल मटेरियल है। तो सबसे बड़ी चीज यही होती है, क्योंकि कोटिंग होने के बाद उनकी जो कोटिंग होती है प्रॉपर तरीके से जो फिनिशिंग आती है कोटिंग की वो बिल्कुल नहीं आ पाती। और इस तरीके से अगर हम इनके रेट की बात करें तो रेट जो होता है इनका 178 प्लस जीएसटी मार्केट में आपको अभी इसी टाइम मिल जाएगा। और अब बात करते हैं जिंदल मटेरियल की। देखिए जिंदल मटेरियल आप अच्छे तरीके से जानते हैं, कोई भी आप कंपनी का नाम ले लीजिए, जिंदल ही नहीं, जिंदल है, इंडालको है और आपका इंडुलूसी से बहुत सारी कंपनीज हैं। आप उनके मटेरियल को उठा के देखें, उनकी फिनिशिंग देखेंगे तो आप बोलेंगे हाँ वाकई में ही कोई ब्रांड है। ब्रांड इसीलिए हो उनका नाम मार्केट में है और इसीलिए वो मार्केट में काफी अपना जो उनका बिजनेस है काफी लेवल उनका ऊपर है और उनकी मांग भी डिमांड भी काफी ज्यादा मार्केट में है। अब बात करते हैं उनके फिनिशिंग की। आप उनका रॉ मटेरियल उठाकर देखिए, रॉ मटेरियल में उनकी फिनिशिंग आप देखेंगे तो एनोडाइज को आप भूल जाएंगे। एनोडाइज उस मटेरियल को करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती। अगर जिंदल कंपनी जैसी, महावीर कंपनी जैसे आप मटेरियल परचेज करते हैं तो उसको आपको एनोडाइज कराने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनकी फिनिशिंग काफी अच्छी होती है। अब बात करते हैं इनके वेट की। अगर हम सपोज कीजिए, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक बंडल पर ले लीजिए या कोई भी आप उनकी 10 लेंथ परचेज कर लीजिए जिंदल की। अब 10 लेंथ में से अगर सेम बंडल का मटेरियल होगा, यानी कि आप सपोज कीजिए आप 50x25mm की जो ट्यूब्स होती हैं वो परचेज करते हैं, यानी कि अगर एक बंडल में वो 20 ट्यूब्स हैं और बंडल में 20 ट्यूब 40 किलो वजन है, तो आप समझ जाइए कि एक ट्यूब का वेट 2 किलो है। आप दूसरी ट्यूब को भी तोलेंगे तो सेम ही वेट आप पाएंगे, और सेम बिल्कुल सेम, ये मेरा अनुभव ही नहीं, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं आपको, कभी करके देखिएगा, कोटिंग होने के बाद भी उनका मटेरियल बिल्कुल सेम ही बैठता है वेट में। तो यही होता है। और लोकल मटेरियल ऐसा कुछ नहीं होता, उनमें अलग अलग वेट होता है, किसी में 3 किलो, किसी में 2 किलो 900 ग्राम, तो इस तरीके से होता है। अब इसकी कोटिंग की बात करते हैं। देखिए दोस्तों कोटिंग क्या होता है कि इनपी की जो फिनिशिंग होती है काफी बेटर फिनिशिंग होती है, लुक के मामले में लोकल से कहीं गुना ज्यादा इनकी
जो खूबसूरती होती है, काफी ज्यादा फिनिशिंग भी होती है। आप देखेंगे इस पर कोटिंग होने के बाद अच्छे तरीके से फिनिशिंग आपको दिखाई दे जाएगी। फिनिशिंग के बाद ज्यादातर आप लोग जानते ही हैं कि मार्केट में जो ज्यादातर डिमांड होती है वो लोकल की होती है। अब ओरिजिनल की डिमांड तो वो लोग करते हैं जिनको ब्रांड से, ब्रांड को जो अहमियत देते हैं, जो अच्छा काम कराना चाहते हैं तो ब्रांड को वह अहमियत देते हैं। तो और इनकी बात कर लेते हैं आप रेट्स की। देखिए लोकल मटेरियल से इनके रेट जो होते हैं 40 से 50 रुपए महंगे होते हैं, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया 180-178 प्लस जीएसटी। तो अगर 180 इसको माने तो 30, इसमें 50 प्लस कर देते हैं तो 230 रुपए किलो प्लस जीएसटी, इस तरीके से आपको मार्केट में आज के टाइम अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जिंदल और लोकल को पहचानने का तरीका। दूसरी बात, अब अगर हम सपोज कीजिए जिंदल मटेरियल को जो परचेज करते हैं तो उसके रॉ मटेरियल पे आप देखेंगे मोहर आती है जिंदल की, ब्लैक मोहर आती है जिंदल की। ऐसा नहीं है उसमें गुदी हुई मोहर होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जिंदल जब कोटिंग हो जाएगा तो आप मतलब पहचान नहीं सकते कि वो जिंदल मटेरियल है या लोकल मटेरियल है। तो सबसे बेटर तरीका यही है, आप उनका वेट करें। अगर सारा वेट सेम है, हर ट्यूब्स वेट में सेम है तो आप समझ जाइए वो ओरिजिनल मटेरियल है। और जब कोटिंग हो जाएगी आपको उस पर मोहर नहीं दिखाई देगी तो आप पहचान नहीं सकते जिंदल है या लोकल है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर लाइक करना तो बिल्कुल भी ना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।